इतनी तकलीफ में है आज कैसे? ऊपर से क्या नाम है आपके हस्बैंड का? प्रकाश कुमार। मेरा नाम कविता, मेरे हस्बैंड का नाम प्रकाश कुमार। आज उन्होंने बसंत सोनी के हिसाब से आज 10 महीने से उन्होंने ऐसा पीछे पड़ा, पैसा दो 40 लाख दो, 50 लाख दो, अब 50 लाख दो। आज 3 महीने से हॉस्पिटल में होते, उनका खर्चे का भी पैसा नहीं है, सब मांग मांग के ला के खर्चा का इलाज करा रहे हम लोग पूरा। आज खाने का भी पैसा नहीं। क्यों मांग रहे हैं पैसे? वो अभी उन्हें मांग रहे, तुम्हारी बिलिंग बन रही है, पैसा नहीं दिया तो वो पिलर कैसे तोड़ा थी, मेरे पिलंग का काम धंधा नहीं है, उनको इधर से फंड करा रहे हमारे को, तुम पैसा दो नहीं तो मैं पूरा तोड़ा देता। और उन्हें तो बीमार होता होता, अगर मैं भी कुछ भी कर लिया तो पूरा सरकार करेंगी, देखेंगी, मेरे बच्चा छोटा है, तीनों खाने का भी पैसा नहीं है, घर पे इलाज कराने का मांग के ला के मैं इलाज करा रही हूँ आज। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका, कहाँ पे है ये? सिला अब्दुल्ला स्कूल में। बोलो। मेरा नाम महिपाल है। कुमार है? जैन। प्रकाश जैन है। अभी उन्हें 3 महीने से हॉस्पिटल में सो गए, वेंटिलेटर पे थे, अभी हाथ चल रहे नहीं, बोलने का नहीं हो रहा, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हम तीनों 4 जने, 3 बच्चे छोटे, हमारे 2 बच्ची है, 1 बच्चा। ये हरासमेंट कौन कर रहे हैं आप लोग? बसंत सोनी कर रहे हैं हमारे को, पूरा बसंत सोनी कर रहे हैं। रीजन क्या है करने का? बैठे बैठे काम हो रहा नहीं है। रीजन क्या है? अच्छा बहुत तफसील से बोलो पूरा। कैसे होना बस छोटा दुकान पे कैसे बैठता? अभी कॉलेज चल रही है, पापा पूरा देखते थे, अभी वहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना, पापा वहाँ सोए हुए, मेरे को भी कुछ मालूम नहीं। अगर हम तीनों, हम मेरी 2 बहन और मेरे मम्मी और कुछ हो गया ना, ये हम लोग सरकार के ऊपर छोड़ रहे, फिर आपकी मर्जी। अभी पैसा होना बस, कुछ भी नहीं होना, उनको पैसा दो नहीं तो मैं पूरा तोड़ा था, पिलर आमला तोड़ा था, तुम देखो ये मैं उनका बेटा हूँ। मेरा पापा का नाम प्रकाश कुमार जैन है, वो ऑलरेडी 3 महीने से हॉस्पिटल में है। उनको पहले ब्रेन क्लॉथ हुआ, ब्रेन क्लॉथ कई के लिए हुआ, बसंत सोनी के हरासमेंट से हुआ, उन्हें करेक्ट 8 महीने से बसंत सोनी हरासमेंट चालू करना हुआ। अगर तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा 2 बार डिसमेंटल कराता हूँ, डिसमेंटल नहीं कराता, फिर उसके बाद उन्होंने बोलता मैं अगर तुम पैसे नहीं दे रहे मैं तुम्हारे कटिंग से पिलर से कटिंग कराने वाला हूँ, मैं तुम देख लेना अगर पैसे दे तो तुम्हारा जमीन बच जाता है, ऐसा बोल के बोल रहा। ऑलरेडी उसने कोर्ट पे भी केस डाल दिया है, हमारा जो एडवोकेट है उसने उसको उसका उसका उसने बसंत सोनी ने अपना जो केस डाला था 3, उसने विड्रॉ भी कर दिया 3, क्योंकि उसको मालूम है मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए उसने आगे से बसंत सोनी ने एडवोकेट बसंत सोनी ने आगे से विड्रॉ कर दिया है केस को। तो अभी उसके पास लीगल से कुछ हो रहा नहीं है, अभी उन्होंने इलीगल से कर रहा है, GHMC में जाके बार बार उन्होंने बैठ रहा है। ये देखो ये उसकी तस्वीर है, GHMC में जाके बार बार अरे उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ। कहाँ से भी अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्या अभी कोर्ट से ऑलरेडी हार गए, हमारे पास ऑर्डर है, तो भी उन्होंने जाके नहीं उनकी बिल्डिंग तोड़ाओ, अरे उनको बिल्डिंग तोड़ाओ, सील कराना, क्या होना बोले तो पैसे होना, जब से 30 लाख रुपये होने का अभी ऑलरेडी उस हमारे पास ऑर्डर है, तो भी उन्होंने जाके वही बोल रहा कि नहीं हमारी बिल्डिंग तोड़ाओ। आज पप्पा 3 महीने से हॉस्पिटल में, कम से कम बिल हो गया 80 लाख रुपए हो गया, हम लोग 3 महीने से काम भी बंद कर दिया, हमारे पास उसके पैसे नहीं है, वहाँ से इलाज करने के पैसे भी बाहर से लाके दे रहे हम लोग, इंटरेस्ट पे लाके दे रहे। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है आपका? जी प्लस का है। जी प्लस और फोर? जी प्लस फोर का परमिशन है आपके पास? मैं लोकल में रहता हूँ, यहाँ पे बसंत सोनी बोल के एडवोकेट है, उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है, सवेरे म्यूनसिपल ऑफिस में जाना, बैठना, कौन बिल्डिंग बन रहा है उसको कंप्लेंट करना, उसका काम वही से, और उसमें म्यूनसिपल वाले भी मिले जुले हुए, उसको कंप्लेंट लेके वापस भिजाना ना, नहीं भिजा रहे, कौन सा बिल्डिंग में भिजाना, कौन सा बिल्डिंग में करना, शाम तक बैठना उसके हिसाब से बिल्डिंगों में जाना, परसों जो जोनल कमिश्नर साहब से भी मिले,
उन्हें भी क्या बोले उसको कहीं को पिटा रहे बोल के पूछे एसीपी को, उसको नहीं पिटा कहीं को पिटा रहे ऑफिस में क्या काम है। कोर्ट ऑर्डर है अपने पास 455 ये कोर्ट ऑर्डर है रेगुलेशन का स्कीम में कोर्ट ऑर्डर अपन डाले सोए कोर्ट ऑर्डर रहते हुए भी कल ताला तोड़ के डिमोलिशन करे डॉकेट ऑर्डर है मार्केट वाले पूरे उनके हिसाब से फेवर में बंद करे सो मार्केट पूरा बंद करे सो। पुलिस भी क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेंट दिए हमारे घर में घुस गया उन्हें बगैर हमारे ये परमिशन के बोले तो तुम लोग प्रूफ ला बोले, फिर हम लोग कैमरे फिट करके प्रूफ भी दिए, जेबीपी केस नहीं बुक कर रहे उसके ऊपर अफजलगंज BS क्या वजह है पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेने का घर में घुसने के बाद कैमरे हमारे पास नहीं थे तो जब कंप्लेंट दिए तो तुम लोग प्रूफ ला बोले सी एस प्रूफ फिर कैमरे फिट करने के बाद प्रूफ लेके जाके बताने में क्या बोल रहे ये हम नहीं होता कोर्ट से ऑर्डर लाओ ऑर्डर ला के उसको अरेस्ट करो भैया तो आप कहीं के लिए है उन्होंने पुलिस कहीं के लिए भैया हमारा घर में घुस रहा चोर बोल दो हम कंप्लेंट करते कहीं के लिए। मैं भी रिसाला अब्दुल्ला का व्यापारी हूँ एक इधर मतलब हर दुकान वाले को सता रहे वो लोग आके पैसे पूछ रहे कुछ कुछ तो भी मतलब कैसा डाल रहे फालतू और यही मतलब वकील साहब वो जो है ना वसंत सोनी और CI साहब को हम बोले भी कि भैया उसको गुंडा मतलब जो पैसे वसूल कर रहा है उसको गुंडा एक्ट में केस बुक करो 100 मीटर दूरी वाला केस नहीं डाल सकता हम लोग कहीं से तो भी किशनगंज से केस डलवा के अननोन नंबर से फ़ोन करके 30 लाख रुपए दियो 50 लाख रुपए दियो। हम पुलिस वालों एरिया पुलिस स्टेशन खासकर CI और ACP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे उसको आज का आज गुंडा एक्ट में अरेस्ट करो और उसको सबक सिखाओ एडवोकेट है तो न्याय से ऊपर कोई नहीं है। वी वांट कुमार जैन में रिसाला अब्दुल्ला उस्मानगंज से बोल रहा हूँ। बसंत सोनी बोल के एक एडवोकेट है उन्होंने उनके दो बच्चे हैं काम वाले गुरनाला रमेश गुरनाला सिद्धार्थ उनके नाम से उन्होंने उनका एडवोकेट बन के हम यहाँ उस्मानगंज पे उन्होंने बिल्डिंगों पे केस दला रहा है और हमसे रैंसम मांग रहा है मेरे से भी 30 लाख रुपये मांग रहा है दिए तो दो नहीं तो आपका बिल्डिंग GMC में जाके पूरा बिल्डिंग तुड़वा देता हूँ बोल के हमसे 3 महीने से हमारे को हरेसमेंट कर रहा है उन्होंने हम भी पूरा दिन से 3 महीने से हम उनसे परेशान हैं और हमें तो KCR साहब से KTR साहब से असदुद्दीन ओवैसी साहब से GMC कमिश्नर साहब से उस अफजलगंज CI से दरखास्त करता हूं कि वो दो बच्चों और बसंत सोनी एडवोकेट के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और हमारा इस केस में समाधान किया जाए और हम 3 महीने से बहुत परेशान है साहब पूरा घर फैमिली परेशान है ऐसा उसने 10-12 लोगों पर केस डाला हुआ है जैसी हमारी मेरे को एडवोकेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है उसने 10-12 जनों के ऐसा केस डाला हुआ है सबसे रैंसम मांग रहा है। हम एरिया के कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल से भी कर रहे हैं मगर उनका भी कुछ साथ मिले तो अच्छा है बोल के हम भी यहाँ के रिक्वेस्ट करते हैं सब क्या करें नहीं आया साहब उनसे अभी तक कोई किसी से साथ नहीं आया अभी तक साहब न्याय हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय दिला के और KCR साहब से और KTR साहब से और असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए साहब। जो दो मेन बच्चे हैं गुरुनाला रमेश गुरुनाला महेश वो उनके नाम से लेके उन्हें बहुत केस डाल रहा हरासमेंट कर रहा उन्हें खुद सामने नहीं आके वो बच्चों के नाम पे केस डला रहा हमारे ऊपर सबके ऊपर हम और मैं KTR साहब और KCR साहब से TRS गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में हमारी दरखास्त सुने और हमारा न्याय हमारे को न्याय दिलाया जाए। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में HD लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी सिर्फ 25,000 में जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन पिलर नंबर 1555 चैतन्यपुरी हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9995937855।